दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने और चांदी की राजकुमारी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है, रोशनी नाम की एक लड़की बेलापुर शहर में अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रहती थी। रोशनी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। इसलिए रोशनी के माता पिता रोशनी को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सभी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा दी थी। एक दिन रोशनी अपने माता पिता के साथ एक पार्टी के फंक्शन में गई थी। पार्टी बहुत मजेदार थी। रोशनी पार्टी को बहुत एंजॉय कर रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद रोशनी अपने माता पिता के साथ जब घर वापस आ ही रही होती है कि तभी रोशनी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। तभी वहीं पर रोशनी की माँ की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। रोशनी और रोशनी के पिता को बस कुछ चोटें आती हैं। रोशनी के पिता जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और जल्दी से रोशनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रोशनी को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी। डॉक्टर उसकी पट्टियां कर देती हैं। रोशनी को जब होश आ जाता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिताजी? माँ, आप कहाँ है? माँ, देखो ना, मुझे कितनी सारी चोटें लगी हैं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ ना। डॉक्टर रोशनी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। रोशनी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगती है। रोशनी के बार बार पूछने के बाद रोशनी के पिता रोशनी को उसकी माँ की मृत्यु की खबर दे देते हैं। ये सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी होती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जाओ मेरी बच्ची, देखो मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना बेटा। रोशनी के पिता रोशनी को बहुत समझाते हैं और उसे सही होने पर घर वापस लेकर आ जाती हैं। कुछ दिनों तक रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और अपने आप में ही गुम रहने लगती है। ये देखकर रोशनी के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो पड़ोसियों के समझाने के बाद रोशनी की खुशी के लिए दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रोशनी के पिता एक सुझाता नाम की महिला से दूसरी शादी कर लेते हैं। देखो रोशनी बेटा, ये तुम्हारी माँ है, अब यही तुम्हारा ध्यान रखेंगी। क्या ये मेरी माँ है? आप सच कह रहे हैं क्या पिताजी? रोशनी अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कुछ दिनों तक रोशनी की माँ सुझाता रोशनी का बहुत ध्यान रखती है। इसी तरह से दिन निकल रहे थे। सुझाता ने अब मुकेश के दिल में जगह बना ली थी और मुकेश अब उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। कुछ ही महीने बाद सुझाता को एक बेटा हो जाता है जिसका नाम वो बिट्टू रखती है। सुझाता को अपना बेटा हो जाने के बाद सुझाता का ध्यान रोशनी से बिल्कुल ही हट जाता है और वो अब रोशनी को नजरअंदाज करने लगती है। धीरे धीरे करके सुझाता को रोशनी खटकने लगती है क्योंकि मुकेश अपनी सारी जमा पूंजी रोशनी की पढ़ाई में लगा रहा होता है और ये सब देखकर सुझाता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन सुझाता, मैं सोच रहा था कि क्यों ना रोशनी का एडमिशन शहर के किसी अच्छे कॉलेज में करा दें? रोशनी पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर शहर जाकर पढ़ेगी तो हमारा नाम भी रोशन करेगी। सुझाता को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुकेश की बातों को टाल नहीं सकती थी।
रोशनी, मैंने आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन शहर के एक बड़े कॉलेज में करवा दिया है। तुम्हें कल शाम को यहाँ से शहर के लिए निकलना होगा, क्योंकि अब तुम शहर जाकर पढ़ोगी तो तुम्हें कुछ नए कपड़ों की जरूरत भी होगी। तो तुम आज अपनी माँ के साथ जाकर बाजार से कुछ नए कपड़े लेकर आ जाना। लेकिन पिताजी, मुझे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे जो कपड़ों के लिए पैसे देना चाहती हैं, उन पैसों को आप संभाल कर रख लीजिए। भविष्य में वो पैसे हमारे काम आएंगे। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाकर अपनी माँ के साथ अपने लिए कपड़े लेकर आना। इतना कहकर मुकेश सुजाता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुजाता को उस समय बहुत गुस्सा आ रहा होता है। मुकेश के जाने के बाद वो रोशनी से कहती है, क्यों रे रोशनी, तू पूरे दिन अपने पिता के पैसे खर्च करवाते रहती है। तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तूने आज अपने पिता से कपड़े मांग लिए? नहीं माँ, मैंने भी तो पिताजी को मना ही किया था, लेकिन पिताजी कहने लगे कि कॉलेज में जाकर कुछ कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे आपके साथ बाजार जाने के लिए कहा है। सुजाता बिना मन से रोशनी को गांव से बाहर शहर के बड़े बाजार में लेकर जाती है। सुजाता जानती थी कि रोशनी को शहर की कोई भी जानकारी नहीं है। सुजाता रोशनी को शहर में बाहर बाजार में खड़ा कर देती है। माँ, यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ शहर में हर जगह इतनी ही भीड़ होती है। और अब तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो, मैं यहाँ बाहर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है माँ, आप यहीं पर रुकिए। रोशनी कपड़े देखने के लिए बाजार के अंदर चली जाती है। तभी मौका देखकर सुजाता वहाँ से भाग जाती है। अब मैं भी देखती हूँ ये रोशनी की बच्ची घर वापस कैसे आती है। सुजाता वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। यहाँ रोशनी जब कपड़े खरीद कर बाहर निकलती है तो उसे अपनी माँ कहीं भी नहीं दिखाई देती। फिर रोशनी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह की रोशनी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी, और अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। चलते चलते रोशनी एक सड़क के पास पहुंच जाती है। रोशनी इतनी उदास होती है कि उसके पास आ रही गाड़ी उसे दिखाई भी नहीं देती, और तभी उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर दो राजकुमारियाँ उसे आकर बचा लेती हैं। दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, एक दिखने में बिल्कुल सोने की जैसी थी और दूसरी बिल्कुल चांदी के जैसी चमक रही थी। दोनों राजकुमारियों को देखकर रोशनी बहुत हैरान रह जाती है, और फिर रोशनी उन राजकुमारियों से कहती है, आप दोनों कौन हैं? अरे डरो मत रोशनी, हम दोनों जादुई नगर से यहाँ पर आई हैं। हम दोनों वहाँ की राजकुमारियाँ हैं, और हमें जादू भी करना आता है। तुम्हें इस तरह से बाजारों में खोया हुआ देखकर, और अभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट ही होने वाला था, लेकिन समय रहते हमने तुम्हारी जान बचा ली, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजकुमारी जी मेरी सौतेली माँ है, जो मुझे यहाँ शहर में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। रोशनी अपनी दुख भरी कहानियाँ दोनों राजकुमारियों को सुनाती है। ये सुनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत निराश होती हैं और रोशनी की मदद करने की सोचती हैं। राजकुमारियाँ अपनी जादुई छड़ी से रोशनी को उसके घर छोड़ देती हैं। रोशनी जब अपनी माँ के सामने आती है
तो वो रोशनी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुझे तो मैं बाजार में छोड़कर आई थी, कलमुरी तू मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी क्या? माँ ऐसा मत कहिए, भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपके कामों में आपकी मदद भी करती हूँ। मुझे तो तू एक आग भी नहीं भाती है, आज मैं तेरा सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। सुजाता रोशनी को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों राजकुमारियाँ वहाँ पर आकर रोशनी की जान बचा लेती हैं। और फिर वो दोनों राजकुमारियाँ सुजाता को अच्छा सबक सिखाने के लिए उसको पत्थर की एक सीढ़ी में बदल देती हैं। और अब सुजाता मन ही मन अपने किए पर पछतावा करने लगती है, लेकिन अब पछतावे का कोई भी फायदा नहीं था। और उसके बाद से रोशनी अपने पिता और अपने छोटे भाई बिट्टू के साथ हंसी खुशी अपने आगे की जिंदगी गुजारने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, बिलासपुर नाम के गांव में किरण और जिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उन दोनों के पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। जिया बहुत सुंदर होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ जिया बहुत घमंडी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ किरण का रंग थोड़ा सांवला था और वो कभी भी घमंड नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसका रंग काला होने के कारण उसकी बहन जिया और उसकी माँ कुंती उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिया अपनी माँ से जब भी कोई नए कपड़े मांगती तो उसकी माँ उसको तुरंत ही लाकर नए कपड़े दे दिया करती थी। लेकिन जब किरण अपनी माँ से नए कपड़े मांगती तो कुंती उसको मना कर देती थी। अरे तुम कपड़े लेकर क्या करोगी, वैसे भी तुम्हारा रंग तो बिल्कुल काला ही है और नए कपड़े तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर हाँ, जिया के कुछ पुराने कपड़े पड़े हैं, उन्हीं को पहन लेना तुम। लेकिन माँ आपने जिया को भी तो नए कपड़े दिलाए हैं ना? उसका रंग देखा है तूने, कितनी गोरी और खूबसूरत है वो। आप और जिया मेरे रंग को लेकर हमेशा मुझे नीचा दिखाते रहते हो, और वैसे भी इंसान का दिल साफ होना चाहिए ना कि उसका रंग। अच्छा अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने बोल दिया ना नए कपड़े नहीं दिलवाऊंगी तो मतलब नहीं दिलाऊंगी, और इस बात के लिए मुझसे दोबारा मत बोलना। ठीक है माँ, फिर आप मुझे जिया के पुराने कपड़े ही दे दो। उसके बाद कुंती किरण को जिया के कुछ पुराने कपड़े लाकर उसे दे देती है और किरण को कपड़े देकर वहाँ से चली जाती है। तभी वो कपड़े देखकर किरण कहती है, अरे ये कपड़े तो बहुत पुरानी हैं और कई जगह से फटे भी हैं। इन कपड़ों को मैं कैसे पहनूंगी? कपड़े फटे होने के कारण किरण उसको नहीं पहन सकती थी। जब भी किरण और जिया एक साथ स्कूल जाती तो जिया की स्कूल की कुछ सहेलियाँ उनसे कहती हैं, अरे यार जिया ये तेरी बहनी है ना, देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली, बिल्कुल बैगन की जैसी। पता नहीं यार, लेकिन मुझे इस मनहूस के साथ ही स्कूल आना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर किरण बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता था कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे। और यही सोच करके किरण उनसे कुछ भी नहीं बोलती है। जिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि किरण उसके साथ स्कूल जाए। जिया किरण को परेशान करती थी, कभी दरवाजे पर कुंडी लगा दिया करती तो कभी उसका बैग छुपा दिया करती ताकि वो स्कूल ना जा पाए। ऐसे ही जिया किरण को बहुत परेशान करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी किरण किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में फेयरवेल का दिन था और जिस क्लास में जिया और किरण पढ़ती थी उसी क्लास की टीचर कहती है,
बच्चों, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जिन जिन बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे इन्फॉर्म कर दें। ये बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जिया और किरण भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं। घर आकर जिया अपनी माँ कुंती से कहती है, मम्मी आपको पता है हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। मम्मी तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ ना? ठीक है बेटी, तुम पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी ही जीतेगी। हुर्रे, ठीक है, आप मुझे एक सुंदर से ड्रेस दिलवा दो जिसको मैं ड्रेस कंपटीशन के दिन पहनूंगी। ठीक है मम्मी। जिया इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद किरण भी घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ तो क्या करूँ मैं, नाचू क्या? लेकिन माँ हमारी क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंगे ही ना, सब तेरी तरह बदसूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे मैं ड्रेस दिलवा सकूं, समझी? ये बात सुनकर किरण बहुत उदास हो जाती है और घर के पास वाले गार्डन में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर किरण बहुत हैरान हो जाती है और उनसे कहती है, आप तो परी हो ना, आप यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें ऊपर आसमान से देख रही थी कि तुम बहुत दुखी हो और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। मैं सभी लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरे काले रंग की वजह से मुझसे मेरी बहन और माँ बहुत नफरत करती हैं। मेरी माँ हमेशा मेरी बहन से प्यार करती हैं, क्योंकि वो बहुत गोरी और सुंदर भी है और हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन भी है। जो सबसे सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा वही जीतेगा और इस कंपटीशन के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुम्हें एक गोटेदार लहंगा दूंगी और वो भी जादुई गोटेदार लहंगा। इतना कहते ही परी किरण को एक जादुई गोटेदार लहंगा दे देती है। इस गोटेदार लहंगे को पहनने के बाद तुम गोरी हो जाओगी और बहुत सुंदर लगने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद किरण उस गोटेदार लहंगे को पहनकर देखती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी। फिर किरण उस कंपटीशन में जाती है और वो वहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदर लगती है और वो उस कंपटीशन को जीत जाती है। ये बात जब जिया और कुंती को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ, इसका गोटेदार लहंगा देखो कितना ज्यादा सुंदर है और ये कंपटीशन भी जीत गई है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है और इसके पास ये लहंगा कहाँ से आया? तुमने तो इसे ड्रेस दिलवाने से मना कर दिया था ना माँ। मैंने तो इसे ये लहंगा नहीं दिलवाया। चल बता, ये गोटेदार लहंगा कहाँ से लेकर आई है तू? माँ, मैं गार्डन में थी और ये गोटेदार लहंगा मुझे वहीं पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको घर लाकर पहन लिया। चल ठीक है, अब ये लहंगा मुझे दे दे। नहीं माँ, ये गोटेदार लहंगा मैं किसी को नहीं दे सकती। आप जिया को कोई नया लहंगा दिलवा दो। ऐसे कैसे नहीं देगी, तुझे ये गोटेदार लहंगा देना ही पड़ेगा। इसके बाद कुंती किरण से वो गोटेदार लहंगा ले लेती है और लहंगा लेकर
जिया को दे देती है। जैसे ही जिया उस गोटेदार लहंगे को पहनती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। तभी कुंती उससे कहती है, अरे जिया, ये तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तभी किरण उनको सारी बात बता देती है। तभी किरण उस परी को याद करती है और परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और किरण से कहती है, क्या हुआ किरण, कैसे याद किया मुझे? आपने मुझे जो जादुई गोटेदार लहंगा दिया था वो लहंगा इन लोगों ने मुझसे छीन कर ले लिया और उसे पहन लिया और उसको पहन कर ये बहुत बदसूरत हो गई। आप इसे पहले जैसा कर दो ना परी जी। पर क्यों? ये तो तुमसे बहुत नफरत करती है ना? कोई बात नहीं परी जी, आखिर ये तो है मेरे अपने ही ना, आप इसे पहले जैसा बना दो। इसके बाद परी जिया को पहले जैसा बना देती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं माँ। उस दिन के बाद से कुंती ने कभी भी अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया। उस दिन से किरण अपनी माँ और बहन के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगी।